तो सर आज के डिसीजन में आप लोगों ने क्या डिसाइड किया आज की मीटिंग के दौरान, क्योंकि लगातार आप लोग उस दिन से मीटिंग के ऊपर मीटिंग करा रहे हो इस टॉपिक को लेकर, तो आज का मीटिंग में क्या डिसाइड किया? मैं आपसू इलेक्शन अभी विद इन ये मंथ में अप्रैल में हम लोग ने डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, बट हम लोग टेंटेटिवली अप्रैल महीना का हम लोग ने वो करके रखा है। और उसको लेते हुए एक अहम मुद्दा जो उभर के आया है वो रिगार्डिंग द मनी कल्चर एंड विज़ डिलीशंस ऑफ द पीजी लेवल स्टूडेंट्स, उसको लेके एक काफ़ी एक चर्चा चल रहा है ये हमारा इसमें आपसू इलेक्शन को लेकर। तो अभी वही का सिलसिला में आज भी यहाँ आया है, और पहले दफ़ा हम लोग ने आपसू का एक प्रपोजल था कि जो मनी कल्चर जो इन्वॉल्वमेंट है, कहीं अगर पीजी लेवल का जो डेलीगेशन अगर डिलीशन होता है तो कहीं कम ना हो, ऐसा एक हम लोग का एक मंशा था। तो उसको लेकर हम लोग ने एक प्रपोजल डाला था, तो उसमें हम लोग देखा है कि काफ़ी सपोर्ट भी आया, काफ़ी अपोजिशन भी आया उसको लेकर। तो लास्ट टाइम भी हमारा प्रेसिडेंट आया था आरजीयू में उसको बात करके, तो ये आज एक फाइनल ये था, एक सेकेंड टाइम ये वो डिस्कशन था उस पर। और आज सभी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स और यहाँ का जो जितना यहाँ पीजी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पासीघाट का बोलो नेरिस्ट एनआईटी एंड देन यहाँ आरजीयू का सबने आया, सबने अपना बात रखा और सब का एक मत से उनका यही उन्होंने पारित किया कि इस बार जो भी हो डिलीशन और जो ये के इसमें इलेक्ट्रल रोल है उसमें छेड़छाड़ नहीं होना है, जो एजीटी से उसको जाने देना है। तो हम लोग ने देखा जब सब एक मत है और हम लोग का तरफ से वही एक ये था एक स्ट्रॉन्ग मैसेज और रिक्वेस्ट था यहाँ का जितना भी पीजी लेवल अक्रॉस द स्टेट कि जो मनीत्री या जो प्री कंडीशंस उन लोग कैंडिडेट माने जो पास एक्सपीरियंसेस है हम लोगों का जो ऐसा सिस्टम है उसको उन लोग डिवाइड करना है, उसको उन लोग उससे उन लोग हटना है, दूर रहना है और अच्छा कैंडिडेट्स नया एनर्जेटिक आपसू लीडर चुनना है, हम लोग ने ऐसा उन लोगों को रिक्वेस्ट किया है। और मुता मुताबिक इट्स मीन पॉजिटिव एक डिस्कशन था और सबने एक मत होकर बोला कि डिलीशन नहीं होना है। तो आपसू ने भी उस पर हम लोग ने भी एक माहौल लगा दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया, चलो जो अगर स्टूडेंट्स का यही चाहत है बिकॉज इट्स एन आफ्टर ऑल हुई रन इन एन कलेक्टिव डिसीजन, तो कलेक्टिव ओपिनियन सबका लिया है तो सबका वही था, तो हम लोग ने उसमें हम लोग ने ओके कर दिया। सर जिस एस यू सेट की मनी कल्चर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में स्पेशली काफ़ी सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट का मनी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, तो हाउ डू यू थिंक यू नो दिस इलेक्शन हाउ डू यू थिंक के प्रॉक्सी वोट्स जितना होता है और मनी कल्चर जो होता है उसको कैसे करके आपको क्या लगता है एज ए आउट गोइंग वन ऑफ द कैसे करके कर्व करना चाहिए आपको क्या लगता है? नहीं इसीलिए तो हम लोग ने ये जो प्रपोजल जो अभी चर्चा जो डिस्कोर्स जो चल रहा है उसके ऊपर में हम लोग बात किया, बिकॉज हम लोग भी वही सिस्टम से आया है, उसमें कोई वो नहीं है, छिपाने का बात नहीं है। लास्ट टाइम हम लोग जब इलेक्शन लड़ रहा था तो हम लोग देखा है, वी हैव एक्सपीरियंस एंड वही हम लोग ने झेला है, तो इसलिए हम लोग चाहता है कि बिकॉज वी आर नाउ द एट द वर्ज ऑफ लिविंग द चेयर, तो हम लोग सोचा कि जो आने वाला है उन लोगों के लिए तो कम से कम एक ऐसा एनवायरनमेंट एक ऐसा माहौल हम लोग क्रिएट करना है जहाँ में इतना ये जो मनी कल्चर है वो नहीं होना है। फिर भी कहीं ना कहीं आई थिंक ड्रास्टिकली चेंज तो नहीं आएगा जैसे लग रहा है, बिकॉज देर हैज़ बीन एन स्टीप अपोजिशन फ्रॉम एवरी वन एंड टुडे वी हैव कैटेगोरिकली स्पोकन टू आवर यंगर स्टूडेंट्स ऑल्सो दैट बिकॉज दे आर सो एनर्जेटिक दे आर सो डिटरमाइंड टू पार्टिसिपेट इन द आपसू इलेक्शन, तो हम लोग ने उन लोगों को यही बोला है देखो आप जैसे आपका विजन मिजन है आप वही एनर्जी से आप कीजिए विदाउट एनी काइंड ऑफ प्री कंडीशंस टू एनी कैंडिडेट्स ना। तो हम लोग ने वो क्या है ये एक पहल है, एक बात शुरू चेहरा गया है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आज शुरू किया है तो कभी ना कभी आई थिंक एक कल्मिनेशन होगा इसके ऊपर भी, भले आज हमारा समय में नहीं होगा तो फिर भी आने वाला जो लीडर्स थे उसके ऊपर फिर चिंतन मंथन करेगा और हु नोस जो इस बार का जो इलेक्ट्रल जो है जो डेलीगेशन आएगा आई थिंक दे माइट बी उन लोग ऐसा नहीं भी करेगा होगा, ऐसा भी हम लोग का वो है, हम लोग ऐसा विश्वास भी रखता है कि उन लोग ऐसा नहीं करेगा, जिस प्रकार से उन लोग ने आज यहाँ इतना एनर्जी जो ऊर्जा उन लोग ने दिखाया है आपसू इलेक्शन को लेकर।